प्रशिक्षु देखिए, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो अगर आप लोग कहते भी हैं, कमेंट आएगा भी आप सभी का कि सर शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, आप 2021-2022 को शामिल होने की बात कर रहे हैं। देखिए भाई, ऐसे आपके कमेंट आए थे, अगर सर शिक्षक भर्ती आ जाता है इस साल, है ना, या फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर भी आ जाता है, तो क्या 2021 बैच वाले, 2022 बैच वाले, 2023 बैच वाले शामिल हो जाएंगे? मैं अगर कह दूँ एक मिनट कि 2023 चल रहा है ना, 2023 में जिसका DLED कंप्लीट होगा, चाहे 2021 बैच वाले हों, आगे आमी 2024 में 2022 बैच वालों का कंप्लीट होगा, तो अगर मान लीजिए 2024 में भी भर्ती आती है, 2023 में मैं मान लेता हूँ कि भर्ती आ जाती है अगर, तो जिनका 2023 में DLED समाप्त होने वाला होगा, तो क्या वो शामिल हो जाएंगे? तो इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग ये लगभग लोग पीछे चलते हैं, जब 69-68 हज़ार वाली भर्ती आई थी 2018 में, तो उस समय भी 2018 बैच वाला समाप्त होने ही वाला था, तो उन लोगों ने धरना किया कि जो भर्ती आई है थोड़ा सा रुक जाए, हम लोग का भी रिजल्ट आ जाए फाइनल ईयर का, तो जाके यह नोटिफिकेशन स्टार्ट हो, या फिर हम लोग के लिए 1 महीने का डेट बढ़ाया जाए, है ना, ऐसा कुछ। तो बाद में वो जब कंप्लेन किए, तो वहाँ से आदेश भैया आया, पारित हुआ कि भाई आगे भर्ती नहीं आएगी क्या, इस वजह से हम इसको नहीं रोक सकते, ना ही 2018 बैच वालों के लिए थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि भाई राहत भरी चीज़ें नहीं बता सकते कि भाई अब हाँ भर्ती आ गई है, तो नोटिफिकेशन उनके लिए रोक दिया जाए थोड़ा, या फिर बढ़ा दिया जाए रजिस्ट्रेशन का डेट, कि 2018 बैच वाले भी शामिल हो जाएं। जो चल रहा है प्रक्रिया चलता रहेगा अपने अनुसार, और 2018 बैच वाले बच्चे जो होंगे उनके लिए नई भर्ती नहीं आएगी क्या कभी? तो आज तक आ ही रहा है, 5 साल हो चुका है, अब देख रहे हैं ना, 2018 बैच वाले पछता भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मतलब रो रहे होंगे क्योंकि सामने से भरी भोजन की थाली हटा ली गई, समझ रहे हैं? ऐसा ही हाल अगर 2021 बैच वाले के साथ होता है, तो कोई दोराय नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ें दोहराई नहीं जा रही है, पीछे हो चुका है ना, इस वजह से उस चीज़ को हवाला देते हुए 2018 बैच वाले भी आ सकते हैं सड़क पे, समझ रहे हैं ना बच्चे? इस वजह से थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ सकता है, और अगर अभी नहीं आ रही है तो इस चीज़ का सोचना बेकार है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अभी तो आई नहीं है भर्ती ना, उस समय तो आ गई थी तब सोचा गया था, अभी जब नहीं आई हुई है भर्ती, या फिर आने की संभावना तक नहीं दिख रही है, कोई हलचल तक नहीं दिख रहा है, आगे लोकसभा का चुनाव है, तो इस बात का सोचना बेकार है कि 2022 बैच वाले, 2021 बैच वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे भर्ती में, कि 2023 में आ जाती है, तो इस चीज़ का मत सो इस चीज़ को मत सोचिए अभी फिलहाल में, जो होगा सो होगा, अगर आ जाता है तो भी देखा जाएगा, नहीं आता है तो भी कोई बात ही नहीं है, आप लोग तैयार रहिए, धन्यवाद।